हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएम क्लासेस। जैसे हमने पिछली दो वीडियो में जो टॉपिक वन है और टॉपिक टू जो कि एमपी कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि कब हेल्ड किया गया था 19 अगस्त 2017 को, तब हम क्या करेंगे, जो टॉपिक थर्ड है, टॉपिक थर्ड क्या है, साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक को इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प है। क्या कर रहे हैं, भारतीय स्टैम्प कितने हैं, भारतीय स्टैम्प है 2/7 और शेष विदेशी स्टैम्प हैं। तो शेष जो है विदेशी स्टैम्प कितने हो गए, विदेशी स्टैम्प कितने होंगे, 1-2/7, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, 5/7। तो अब क्या पूछा है हमें कि भारतीय स्टैम्प का और विदेशी स्टैम्प का अनुपात क्या होगा, तो निकालते हैं 2/7 / 5/7, 7 से 7 गया तो ये कितना आ गया, 2/5। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पर हम देखते हैं इसको एक और मेथड से, देखो उसमें और काफ़ी इजी होगा। क्या है, मान लो कि रवि के पास टोटल कितने स्टैम्प हैं, 7 हैं, रवि के पास टोटल 7 स्टैम्प हैं, उसमें क्या बोला है भारतीय, भारतीय स्टैम्प कितने होगा उसके, 2। तो अब कितना बचा, विदेशी स्टैम्प कितने होंगे, जब उसके पास टोटल स्टैम्प कितने हैं, 7, भारतीय हो गए 2, तो विदेशी कितना हो गए, 5। इसका मतलब क्या होगा, भारत भारतीय और जो विदेशी स्टैम्प है उनका रेशियो कितना होगा, 2/5। क्या होगा इसमें भी, क्या होगा, ऑप्शन ए ही आपका सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव पढ़ते हैं। क्या बोला है कि किस संख्या से गुणा करें, हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। क्या करना है, -1/5 को किस संख्या से, मतलब एक्स से गुणा करें, तो क्या हो जा रहा है, हमारा गुणनफल 9/25 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालें, x = 9/25 और जो 5 है वो अपना ऊपर जाएगा और 1 है नीचे जाएगा और ये -5/1। इसको काटते हैं, 5 से 25 गया 5 बार, तो ये कितना हो गया, -9/5। और -9/5 कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा, -9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। जो क्या बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, 550 रुपये में बेचता है, मतलब ये है उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 550, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, हमें इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर आपको रेशियो मेथड आती हो, रेशियो मेथड, तो हम करते क्या हैं उसमें, जो ये होता है, क्या बोलते हैं, गिवन है फ्रैक्शन अपना 1/10, भिन्न गिवन है 1/10, इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, मतलब हर जो होता है वो होता है अपना क्या, क्रय मूल्य, और जो ऊपर जो होता है वो या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें क्या बोला है, लाभ प्राप्त होता है, मतलब ये लाभ होगा। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञान कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और लाभ यहाँ पर कितना है अपना 1/10, और इसको आप परसेंटेज में बदलोगे, 1/10 × 100, मतलब कितना आ गया, 10%, इसका आंसर आ गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर इसका सही होगा। और अगर आपको रेशियो मेथड भी नहीं आती हो तो हम देखो अदर मेथड से देखते हैं इसका आंसर, जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि 550 रुपये में बेचता है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे क्रय मूल्य है उसका, उसको क्या हो रहा है, क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, 1/10 भाग जो कि लाभ है, क्रय मूल्य में हम लाभ को और जोड़ देंगे तो क्या जाएगा अपना, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, 550। तो अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप के भिन्न जो आ जाते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम 1 में, और 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में, और नीचे वाले इनको भी एक दूसरे में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10 + 1/10 = 550, मतलब क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 11/10 = 550, और 11 से हम जब 550 काटेंगे तो ये कितना गया, 50 बार, क्रय मूल्य आपका कितना होगा, क्रय मूल्य आपका होगा 500 रुपये। अब हमें क्या आपको देखना है, लाभ प्रतिशत देखना है, तो लाभ हम निकालते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 550 माइनस क्रय मूल्य कितना है 500, ये कितना आ गया 50, लाभ कितना आ गया आपका 50 रुपये। आपको आप क्या निकालना, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे
क्या होता है अपना, क्या बोलते हैं, क्रियमूल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा अपना 50/500 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये 100 से अपना क्या हुआ, ये 00 गई, और 5 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये 10% इसका आ गया आंसर, मतलब ऑप्शन 4 सही होगा। आपको अगर रेशियो मेथड आती है तो उससे करो, नहीं तो कॉन्स्टेंट वाला वैसे भी काफ़ी टाइम होता है, आप चाहो तो सिंपल मेथड जो कि हमारी पुरानी मेथड होती है उससे भी आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या है, हमको गिवन दिया है कितना, 3x+2y=12, और दिया है हमें xy=6, तो हमें क्या निकालना है, 9x² + 4y² का मान निकालना है कि ये क्या होगा। देखो हमें दिख रहा है कि स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर मतलब और वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, हमके मन में आइडिया आया स्क्वायर को देख के कि यार शायद इसमें भी हमको है ना वर्ग ही करना होगा, मतलब स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड हमने वर्ग कर दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो क्या होगा, जब भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है अपना, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x² 3 का स्क्वायर मतलब 9x² + 4y² + 2×3x×2y=144, ये कितना हो जाएगा 144 मतलब 144, ठीक है। और 9x² + 4y² ये तो हमें मान निकालना है, 9x² + 4y², ये देखो है ना, और ये क्या आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई में किया तो मतलब कितना 12x y = 144, और मेरे भाई 9x² + 4y² होगा 144 - 12xy, और एक्स वाई का मान हमें पहले से ही गिवन है, और एक्स वाई का मान हमें कितना दिया है, 6 दिया है, इसमें पुट करो आप आराम से, 12xy का मान कितना हो गया 6, ये क्या मल्टी एक्स में ई मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस, और 12 का मल्टीप्लाई जब आप 6 में करो तो ये कितना होता है 12 72, और 144 में 72 गए आपके तो कितना जाएगा 72 ही 72 होगा आपका आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त में यदि जीवा सी डी की तुलना में जीवा ए वी केंद्रक ओ के अधिक निकट है, क्या बोला है इन्होंने कि एक वृत्त है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं ये कि दो जीवा हैं, समझ में आ रहा है हमें कि जीवा सी डी है और एक जीवा ए वी है, तो इन्होंने क्या बोला है, जीवा सी डी की तुलना में जीवा ए वी केंद्रक क्या है, ए, जीवा ए वी जो है वो जीवा सी डी की तुलना में केंद्रक के अधिक निकट है। देखिए ए बी जो है उस हमको इसमें दिख ही रहा है, ए बी जो है वो ओ के अधिक निकट है, बल्कि जो सी डी है वो ओ से अधिक मतलब दूरी पर है, तो क्या पूछा है, तो कौन सा इसमें रिलेशन बनेगा, हमको ये देखना है कि रिलेशन कौन सा वाला बनेगा, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि ए बी जो है, ए बी जीवा जो है वो ऑलवेज हमेशा क्या होगी, सी डी से बड़ी होगी, सी डी वाली जीवा से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ए बी वाली जो जीवा है वो केंद्रक के सबसे निकट है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर इसका सही होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, क्या बोला है कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, बेलनाकार मतलब बेलन बना लो आप आराम से, ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या गिवन दी है मतलब आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला, ऊंचाई 5-4 मीटर है, ऊंचाई इन्होंने क्या दी है, ऊंचाई दी है इन्होंने कितनी 4 मीटर, मतलब एच हाइट बोलते हैं, एच एच दिया है 4 मीटर, और आर 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसको भी क्या करो मीटर में ही बदल दो, क्योंकि सब चीज़ें जब मीटर में दी है तो मीटर में ही 0.28 मीटर, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम, इन्होंने क्या बोला है, उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी जबकि पेंटिंग की लागत ₹8/m² है, ठीक है, पेंटिंग की लागत निकालना है। तो एक चीज़ देखो, जब भी स्तंभ होंगे और ख़ासकर हमने मंदिर में देखा स्तंभ, तो होता क्या है कि जब भी पेंटिंग करते हो आप उसकी बाउंड्री पे करते हो आसपास, ऊपर और नीचे तो आप पेंटिंग ही नहीं करते, नीचे तो ज़मीन ही जाएगी और ऊपर छत आ जाएगा, तो नीचे और ऊपर तो आप करते नहीं हो, आप करते हो सिर्फ उसके पृष्ठीय भाग में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पता हो बेलन का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है आपका 2πRL, 2πRL होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, और ये हमने निकाला है किसका, एक बेलन का, और आपको कितने निवेदन दिया है,
25 विलन के बंदी हैं, तो 25 का निकालने के लिए क्या करें, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पुट करते हैं हम वैल्यू 2π r, r अपनी कितनी है 0.28, और l कितनी है अपने पास, l देखो l कितनी है 4, l मतलब ऊंचाई, ऊंचाई अपन को दी है 4 × 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इसको आगे, क्या हो रहा है कि 25 चुको होता है 100 आपका, और 100 का मल्टीप्लाई जब 0.28 में करोगे तो ये कितना आएगा, 2 × π, π का माइन 22/7, और ये कितना आ गया 28, क्यों 25 चुको 100 क्या हो रहा है 100, और 100 का मल्टीप्लाई जब 0.28 में करोगे तो 100 से ये डबल जीरो कट ही जाएंगे, तो हम इसको काटते हैं आगे। इसको देखो 7 का डिवाइड किया हमने 28 से, 7 चुको 28, और क्या हो गया ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 और मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो गया 176 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल कि यार हमको कितना 176 मीटर स्क्वायर पर क्या करना है, हमें पेंट करना है, हमें देखा गया है कि 176 मीटर स्क्वायर पर पेंट करना है। अब पेंट की लागत, पेंटिंग की लागत देखा है हमने क्या आ रही है, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत निकालते हैं हम टोटल। देखो एक वर्ग मीटर की लागत जो है वो कितनी है 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और टोटल हमारे पास क्षेत्रफल कितना है 176 मीटर स्क्वायर, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 176 में तो अपना आंसर आ जाएगा, और आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है 1408 रुपये, और ये किस में अवेलेबल है, ये ऑप्शन नंबर वन, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है आफ्टर टॉलियर, नहीं क्या बोला है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुना हो जाती है जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। क्या है, सपोज कर लो कि अभी उसकी आयु है एक्स, अभी मेरी आयु एक्स, क्या हो रहा है 12 वर्ष बाद एक्स प्लस 12 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाती है, ठीक है 3 गुनी हो जाएगी, अगर जितनी अभी से, अभी मतलब उसकी थी x, उससे 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान आयु निम्न है, तो वर्तमान आयु हमने क्या माना x है, तो अब देखते हैं x का मान कितना था, x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x, एक्स एक्स वाली हमने एक साइड ले ली है और इस 12 को इस साइड ले लो, 12 प्लस 12 दैट इज 12 और 12 कितना हो गया 24, और 3x में से x गया तो 2x, और x बराबर कितना हो जाएगा अपना 12, इसका ऑप्शन क्या होगा दूसरा, इसका आंसर सही होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और क्या बोला है कौन सा व्यंजक बहुपदी है, बहुपदीय व्यंजक बताना है हमें कौन सा है, तो हमको पता है व्यंजक जो बहुपदी होती हैं उनमें क्या क्या होता है, चर होता है, स्थिरांक होता है और क्या होती है उनकी घात होती है कुछ, ठीक है। चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इससे ना जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2, 3, 4 इस टाइप की, ठीक है, और चर मतलब x अपना, और घात उनकी कोई एक पावर होगी, मतलब उन पर कोई पावर होगी, तो और क्या होता है इनका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमें याद रखना है कि जब भी बहुपदीय होते हैं व्यंजक उनमें क्या होता है, घात में, घात के जो हर होता है उसमें चर कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर वो चर हर में है तो तब भी आपका पद बहुपदीय नहीं होगा। जैसे हम मूव करते हैं अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है 2x³ प्लस, इसमें क्या हो रहा है 2x³ प्लस 3/x, ये चर जो है वो क्या आ गया है हर की जगह पे आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बहुपदीय नहीं होगा। इसमें भी देख लो चर फिर अपना डिवाइड में आ रहा है, मतलब हर की जगह पे आ रहा है, तो फिर ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो आप ये बिल्कुल सही है, इसमें आप चर देखोगे तो चर हमेशा ऊपर ही है, मतलब अंश पर ही है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है कि जो एक्स की जो घात है वो सिंपल इंटीजर नहीं है, मतलब उसकी क्या हो रही है वो अपॉन में है 1/2, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है थर्ड ऑप्शन इसका सही है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला है इन्होंने कि 1100 को गुणा किया जाना चाहिए कि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को, क्या बोला है ना पूर्ण वर्ग, इस टाइप क्वेश्चन कभी भी हो कि जब पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घात, मतलब
घातीय हो जाए, ऐसा टाइप का आ जाए ना क्वेश्चन, तो उनको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं सिंपल, पहले निकालते हैं हम उसके गुणनफल। जैसे 1100 है, 1100 गुणनफल आप निकालो तो क्या हो जाएगा, इसको बांटते हैं हम आपस में थोड़ा सा, तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1100, तब भी 1100 ही आ रहा है। और इसको आसानी से लिखें, 100 मतलब 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, इसको निकाल लिया हमने। अब इसका अगर वर्गमूल आप लोगे, इसका अगर आप वर्गमूल ले लो तो क्या होगा, 10 तो आपका आसानी से बाहर आ जाएगा, पर वो कह रहा है गुणनखंड के अंदर 11 आपका रह जा रहा है, 11 अंदर रह जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है समझना आप आराम से, कि भाई अगर 11 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 भी इस वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही, 11। क्या बोला क्वेश्चन में, यही पूछा गया था कि आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, हम अगर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या में तो क्या होगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11, इसलिए हमने इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है कि संख्या 1, 2, 3 से 25 तक दी गई है, मैं संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या की अभाज्य संख्या होने की, अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालना है अभाज्य संख्या की। प्रायिकता हम निकालते कैसे हैं, कि क्या करो कि टोटल देख लो कि कुल अभाज्य संख्या कितनी है, कुल अभाज्य संख्या और अपॉन में कर लो कुल संख्या है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे 1 से 25 तक तो कुल अभाज्य संख्या कितनी आती है, 9 आती हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार गिना भी देता हूँ कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम देख रहे हैं तो एक होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब टोटल करोगे तो कितनी है, 9 है, 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल 1 से 25 तक, और कुल संख्या कितनी है 25, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 9/25, दैट इज थर्ड होगा इसका आंसर सही, 9/25। हम आगे मूव करते हैं, 11वें नंबर का अपना क्वेश्चन है कि भाई छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। अभी हमने क्या देखा था, पूर्ण वर्ग हो, अब क्या आ रहा है, पूर्ण घन हो, ऐसा पूछ लिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बस इसमें क्या था मल्टीप्लाई करने का बोला, तो इसमें क्या बोला, विभाजित किया जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं 3087 के, उसमें भी हमने ये किया था गुणनखंड निकाला, 3087 का हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, 3 में भाग जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, एक बार गए 0, 2, 9, फिर हम डिवाइड करते हैं फिर से 3 को, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 3 4 और 3 3 9। ठीक है, ये 343 आ गया। अब ये 343 आप देखो 7 का क्यूब होता नहीं, तो आगे देखते हैं हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना आ गया 7 4 28 और फिर अपना कितना आ गया अपना, और ये कहा गया 9 बार। ठीक है, फिर 7 से हमने डिवाइड किया 7 से 3 49 और 7 से फिर डिवाइड किया तो 1 बार गया। ठीक है, तो हम इसको निकल लिखते हैं 3087 को, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 7 × 7। ठीक है, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर × 7 का क्यूब। अब हमको क्या बोला है कि ये पूर्ण घन हो जाए, तो हमको क्या करना है, इसका देखते हैं, इसका क्यूबिक रूट देखते हैं, इसका हम क्यूबिक रूट देख रहे हैं, क्या हो रहा है, इसमें भी आपको आसानी से नज़र आ रहा है कि भाई हम 7 को हम देखेंगे तो 7 तो क्यूबिक रूट के बाहर आ जाएगा, तो आराम से मतलब ये बन जाएगा, लेकिन ये 9 जो 3 3 9 हो रहा है, 9 की दिक्कत हो रही है, 9 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन इसका क्या होगा सही, 4th ऑप्शन इसका सही होगा, 9 से 9 आपका गया, तो अब सिंपल यहाँ क्या बचा, सिंपल ही बचा आपका 7 का क्यूब, अब क्यूब से क्यूब कट गया तो 7 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप 9 से डिवाइड कर दो तो संख्या आपकी पूर्ण घन बन जाएगा इसका 3087। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि विच मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर डज नॉट किल जर्म्स, मतलब क्या बोला है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति है जो कीटाणुओं को नहीं मारती है। इस पर फोकस करना कि हमें क्या पूछा है कि नहीं मारती है ना, ये नहीं पूछा है कि कौन सी कीटाणुओं को मारती है। ठीक है, हम देखते हैं, पहली मेथड क्या दी है, बॉयलिंग। बॉयलिंग में हम करते क्या है, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उबालते हैं। ठीक है, पानी को हम गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, कीटाणु मर जाते हैं, तो ये तो भाई
पानी को प्यूरीफाई करती है, मतलब पानी का को शुद्ध करती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अपनी छानना, क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन, छानना। छानना आप अगर पानी को सिंपल किसी छलनी से छानोगे तो उसमें क्या होता है उसके कीटाणु जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो छन नहीं पाते। तो इसमें क्या होगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पानी है वो शुद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट फिर भी हम मेथड को हम देख लेते हैं कि यार ये मेथड क्या है। जैसे आसवन, आसवन डिस्टिलेशन, इस मेथड हम क्या करते हैं, इसको पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, पहले हम क्या करते हैं पानी को का बाष्पीकरण करते हैं, पानी को बदल देते हैं हम भाप में। पानी का हम क्या कर रहे हैं, बाष्पीकरण, पानी को हमने क्या किया भाप में बदल दिया। फिर क्या करते हैं हम, फिर से भाप को हम कर देते हैं किस में कन्वर्ट, पानी में। और भाप को पानी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, संघनन विधि से। तो हमने क्या किया, पहले पानी को भाप बनाया, फिर भाप से हमने क्या किया पानी बनाया। इससे क्या होता है इसके कीटाणु सारे मर जाते हैं। ये थर्ड मेथड जो है आसवन, इसके द्वारा भी हम पानी का शुद्धिकरण करते हैं। और अगर हमने फोर्थ ऑप्शन है जैसे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में हम क्या करते हैं क्लोरीन को हम पानी में मिला देते हैं, इससे भी क्या हो जाता है पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसका ऑप्शन तो हमारा दो सही था, लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कि पानी के शुद्धिकरण में कौन कौन सी पद्धति यूज कर सकते हैं हम, तो उसमें क्या होता है एक आती अपनी बॉयलिंग मतलब उबालना, और दूसरी आती, तीसरी मतलब दूसरी आती आपकी डिस्टिलेशन, और जिसको हम बोल रहे हैं आसवन, और थर्ड आती है अपनी क्या बोलते हैं क्लोरीनेशन, जो कि शुद्ध करने के लिए यूज होती। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है वो कौन सी है। हमने पढ़ा है ये तो कि आराम से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की जो मिनिमम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसको इंसान आसानी से देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले आवासीय शोषण में शक्कर किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है। क्या बोल रहा है कि फलों का रस, फलों के रस में क्या मिला रहा है, खमीर। ठीक है, तो किस में बदल जाती है ये पूछा है कि जब फलों के रस में हम खमीर को बुलाते हैं तो फलों के रस में क्या होता है शर्करा, शर्करा किस में बदल जाती है ये पूछा है हमें। तो क्या होता है शर्करा को हम खमीर में बदल मिलाते हैं तो ये क्या होती है, इस तरीके से हम क्या बनाते हैं वाइन, या बनाते हैं क्या बियर। मतलब जब हम फलों के रस को खमीर में मिलाते हैं तो क्या हो जाती है वाइन या बियर में बदल जाती है। वाइन और बियर जो बनती है ना वो इसी मेथड से बनती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और वाइन और बियर क्या है एक तरीके एल्कोहल ही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ नंबर का सही होगा ऑप्शन, एल्कोहल राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि पहला और पहले ऑप्शन क्या है। जैसे साइट्रिक एसिड था, साइट्रिक एसिड में क्या होता है, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, साइट्रिक एसिड अधिकतर मिलता है साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट क्या क्या है नींबू संतरा इस टाइप के जो थोड़े खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें होता है, नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपको किस में मिलता है चींटी के काट देती ना जब उसमें फॉर्मिक एसिड ही होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको किस में मिलता है, ये मिलता है मिल्क, मिल्क मतलब दूध में, दूध में आपको क्या मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या बोला, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विच वाज एक्सप्लोइटेड बाय नेविगेटर एंड ट्रेवलर्स फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। हिंदी में, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता था निम्न है। अब इन्होंने क्या बोला है, नाविकों तथा यात्रियों द्वारा। देखो चुंबक के तो सारे गुण हैं, जैसे प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरणक गुण, दिशा संबंधी गुण, आकर्षण का गुण, लेकिन उन्होंने बोला है कि कौन सा गुण है जो कि नाविकों तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल में यूज किया जाता था। प्राचीन काल में नाविक और यात्री क्या करते थे, भ्रमण ही करते थे, उसके लिए क्या करते थे इसका दिशा संबंधी जो गुण था उसका यूज करते थे। मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्या बोला है कि दिवाली के दौरान, दिवाली के दौरान होता क्या है, पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा है कि उनके जलने के थोड़ी देर बाद ध्वनि सुनाई देती है। क्या हो रहा है, पहले हमें क्या हो रहा है लाइट दिख जाती है और फिर बाद में हमें उसकी ध्वनि मतलब साउंड सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब यही है कि जो लाइट की स्पीड होती होगी वो क्या होती होगी, साउंड से की स्पीड से ज़्यादा होती होगी, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती, तभी तो हमको क्या होता है पहले लाइट दिखती है और फिर साउंड सुनाई देता है। सेम कॉन्सेप्ट हमें ये बिजली, बिजली चमकती जब होता है हमें क्या होता है, पहले बिजली की लाइट दिखती है फिर हमको बिजली की चमकने की मतलब उसके बाद हमको उसकी गर्जन सुनाई देती है। ठीक है, हम जैसे देखते हैं इसमें
कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन टू सही होगा। इसमें क्या बोला, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, लाइट जो है वो फास्ट ट्रैवल करता है साउंड के। और अगर आपको फिर भी स्पीड अगर आपको देखना हो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, जैसे लाइट की स्पीड बताता हूँ मैं आपको कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और आपको अगर साउंड की स्पीड देखना हो, साउंड की स्पीड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब देखिए आप कि लाइट की स्पीड जो है वो कितनी अधिक है। इसलिए लाइट हमको पहले दिख जाती है और साउंड हमको बाद में सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 17th नंबर का क्वेश्चन है, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है, जैसे कि बतख। बतख भी जो होता है उसका हम क्या करते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, मांस भी इसका खाते हैं और इसके जो पंख होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी मवेशी केटल का भी हम बहुत कुछ यूज करते हैं, इसके मांस का भी यूज हो जाता है और इसका मिल्क जो दूध होता है, दूध प्रोडक्ट होते हैं उनका भी यूज करते हैं। मुर्गा भी काफ़ी यूज होता है, अंडे इसके काम आते हैं। और बाकी देखा जाए आप तो मोर आपका कुछ भी पशुधन का उपयोग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, टू होगा इसका सही आंसर। तो पशुओं में नहीं पाया जाता, और वैसा कौन सा है, ये विविध जीवोत्तक उतक, और ये पाया जाता है किसमें, पादप में। ये पाया जाता है पादप में, और ये करता क्या है कि जो पौधे रहते हैं उनकी वृद्धि और विकास का काम, पौधे होते हैं उनकी वृद्धि और विकास का काम इसका विविध्योतक उतक। नेक्स्ट हम इसमें कहते हैं एक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयोजी उतक। संयोजी उतक हमको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, लेगामेंट, और एक होता है क्या, टेंडन। लेगामेंट क्या करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, मतलब बोन से बोन को जोड़ता है क्या, लेगामेंट। और टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, मतलब बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है, कौन आपका कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, लेगामेंट और टेंडन को, ये काफ़ी पूछते भी हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है लेगामेंट और टेंडन। और अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बीबी लाल मतलब बोन को बोन से जोड़ता है कौन, लाल मतलब लेगामेंट, बोन को बोन से जोड़ता है कौन, लेगामेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि इनको आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या रहा है, सेकेंड दिखा रहा है सब में, तो सेकेंड सबसे छोटा होता है, फर्स्ट नंबर पर आ गया अपना सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से बड़ा क्या होता है अपना मिनट, देखो कौन से ऑप्शन में है, मिनट इसमें तो नहीं है, मतलब ये तो करा, मिनट इसमें भी नहीं है, मिनट इसमें भी नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड के बाद क्या आता है, मिनट, मिनट के बाद आता है आपका आवर, मतलब घंटे, फिर आते दिन, फिर आता है महीना, और फिर आते हैं साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हैजा किसके कारण होता है, हैजा जो होता है वो क्या होता है कि जब हम दूषित पानी या भोजन का इंटेक कर लेते हैं, मतलब हम दूषित भोजन या दूषित पानी को हम लेते, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये हैजा का बैक्टीरिया होता है, उसके कारण हमको ये हैजा बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्या, हैजा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम और जब क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है या अवशोषित होती है, तो क्या होता है, ऊष्मा हमेशा निकलती है, ऊष्मा इसमें निकलती है, जब भी हम सोडियम को क्लोराइड से मिलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे आपको पता होगा कि जो रिएक्शन होते हैं, जो भी अभिक्रियाएँ होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं, पहली क्या होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया, और दूसरे नंबर की होती है क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा छेपी जो अभिक्रिया है उसमें होता क्या है, हमेशा ऊष्मा जो है, हीट जो है वो निकलती है, और इसमें क्या होता है, हीट है ना एब्जॉर्ब होती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, ऊष्मा अभिक्रिया का तुमने अभी एग्जांपल देखा, जैसे सोडियम को हमने
एनी को जब सी एल से मिलाया तो एनी सी एल बना, मतलब हमारा क्या बना, नमक बन गया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा सोचिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आप पानी में कन्वर्ट करते हो, बर्फ़ को आप पानी बनाते हो, तो उसमें क्या करता है, हमको हीट देना पड़ता है, मतलब वो क्या करता है, ऊष्मा को शोषित करता है। इसलिए क्या होता है, बर्फ़ से जो पानी मिलने की जो प्रक्रिया वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो हमको क्या पूछा था इसमें, कि हाँ इसमें क्या होता है, जब सोडियम को आप क्लोराइड्स में लाते हो तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, वो थर्ड नंबर का सही होगा, कि ऊष्मा विकसित होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है, ब्रॉयलर चिकन का, चिकन का भरण क्या है। ठीक है, जो ब्रॉयलर चिकन है वो एक टाइप का स्पेशल मुर्गी होती है, जो कि अंडे नहीं देती, बस उसका क्या होता है, मांस होता है, जो मुर्गी का मांस होता है उसका हम यूज करते हैं। और जो मांस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, मतलब उसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन से भी भरपूर होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ रेप्टाइल विथ फोर चैम्बर हर्ट। क्या बोला है, चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। ठीक है, सरीसृप जो होते हैं ना, मेनली अधिकतर सरीसृप क्या होते हैं, थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं, मतलब तीन कक्षित हृदय होते हैं इनमें। पर इनमें ऐसा क्या है, जैसे बेरनेस भी थ्री कक्षित हृदय है, छिपकली भी थ्री कक्षित हृदय है, गिरकेट भी थ्री कक्षित हृदय है, पर एक एक्सेप्शनल केस है मगरमच्छ, मगरमच्छ स्पेशल है, जिसमें कि क्या होते हैं, चार कक्षित हृदय होते हैं, मतलब फोर चैम्बर हर्टेड होता है जी क्रोकोडाइल। इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन इसका सही होगा, अपना फोर्थ ऑप्शन इसका होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, हृदय, धमनीय तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, एक संगठन के किस स्तर का उदाहरण है, एक संगठन का किस स्तर का उदाहरण। देखो, हमको दिख रहा है कि हृदय तो एक अंगी हो गया, हृदय एक अंग है, लेकिन हृदय के साथ, अगर अंग के साथ ये धमनियां भी हैं और ऊपर से अपनी सिराएं भी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, अंग एक प्रणाली है। हृदय के साथ धमनियां तथा सिराएं एक साथ जब कार्य करती है, वो क्या बना लेती हैं, एक अंग प्रणाली का काम करती हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स कैसे संचारित नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, एड्स है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो होता है भाई, क्या बोलते हैं, एड्स एक दूसरे से फैलता है, गले लगाने से कभी भी एड्स फैलता नहीं है, बाकी स्तनीय आहार से भी फैलता है और रक्तदान से भी फैलता है ये। अगर आपको पता हो तो एड्स को आपको देखना है किसी भी पर्सन के, तो आप क्या करते हो, उसमें एक टेस्ट करते हो एड्स का चेक करने के लिए, एलिसा टेस्ट बोलते हैं इसको, एलिसा टेस्ट करते हैं हम। क्या करते हैं, इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं और इसमें एलिसा टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं कि किसी पर्सन में एड्स है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि पहले भी आ गया है, इसी पेपर में पहले ही पूछा गया है। जैसे इसमें क्या बोला है कि शर्करा, उसमें हम क्या बोल रहे थे, फलों के रस में शर्करा रहता है, उसमें हम क्या बोलते थे, मिलाते थे खमीर, और उससे क्या बन जाता था हमको, एल्कोहल मतलब वाइन मिल जाती थी, एल्कोहल मतलब वाइन और बियर मिल जाती थी। शर्करा हम क्या मिलाते थे, खमीर मिलाते थे, जिससे कि वो क्या बन जाती थी, एल्कोहल और बियर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट मूव पढ़ते हैं। नहीं, और कुछ और देख लेते हैं। जैसे हम इसमें देखें क्या है कि लैक्टोबेसिलस कौन सा है, लैक्टोबेसिलस का काम क्या है, ये क्या करता है, लैक्टोबेसिलस अपना क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। राइजोबियम तो अपना प्रोटीन रिच है, इसको क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी ये राइजोबियम है, राइजोबियम प्रोटीन रिच नहीं, सॉरी राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का ये पौधों में पाया जाता है, इसमें काम होता है नाइट्रोजन का यौगीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर तो हमने देख लिया था, खमीर है इसका आंसर सही। ठीक है, अगला क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इट्स अ डायगोनल मीट एट ओ। क्या बोला, एक आयत है, ठीक है, सिंपल एक आयत है, उसके डायगोनल किस पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं,
इसके डायगोनल मीटर टू, ठीक है, जैसे एक हम बना लेते ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब क्या बोला है देखते हैं, मैंने बोला है ओ ए इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, ओ ए का मान दिया 2x + 4, और ओ डी इक्वल टू 3x + 1। तो क्या होता है जो रेक्टेंगल होता है जब उसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को हमेशा बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसका मतलब क्या है ओ ए बराबर क्या है ओ डी, ओ ए अपना कितना है 2x + 4 और ओ डी कितना है 3x + 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4 - 1, ये जाएगा 3x - 2x, एक्स बराबर अपना आएगा 3। लेकिन आप देखोगे कि किसी भी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है हमको एक्स बराबर 3, लेकिन ये आंसर सही है एक्स इक्वल टू 3। क्योंकि अब हमने गलती से उसने क्या किया है कि प्रिंट ऑप्शन ही नहीं दिया है, अगर इसका फिफ्थ नंबर का ऑप्शन होता 3 तो ये आंसर इसका सही होता है, इनकी जगह अगर ऑप्शन 3 दिया होता तो वो सही होता। ये इसमें से कोई से भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 28 नंबर के क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्या बोला है कि राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5000 रुपये का ऋण लिया, और फिर क्या करता है, क्या हो रहा है, राज जो है वो काफ़ी समझदार व्यक्ति है, उसने क्या किया 5000 रुपये का ऋण लिया, किस पे 10% के रेट पर, 10% मतलब 10/100, 1/10, ठीक है, 10% के रेट से उसने क्या किया है ब्याज लिया है। फिर क्या किया, उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उसको क्या किया है उसने अन्य व्यक्ति को दे दिया है। तो वो बोला है कि 2 वर्ष के बाद उसे कितना लाभ हुआ ये देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 5000 है, इसका क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसको कितने रुपए बाद में 2 साल बाद कितने रुपए देना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं क्या पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन कब, जब राज को कितने रुपए उसको 5000 के देना पड़ेगा। तो हम क्या करें, साधारण ब्याज देखें इसका, तो क्या है 1/10% इसको ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब 500 रुपये, और फिर अगले साल भी उसको 1/10 दैट इज 500 रुपये, मतलब टोटल क्या हुआ 500 + 500 मतलब 1000, ब्याज कितना आ गया उसको 1000, मतलब उसको टोटल 6000 रुपये बाद में देना पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से कितना कमाता है, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है ये हम देखते हैं, दूसरे व्यक्ति से इसका प्रॉफिट, दूसरे व्यक्ति से प्रॉफिट अगर देखें, जैसे इसने क्या बोला 15%, 15% मतलब 15/100, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 3/20, ठीक है 3/20 आ गया। तो हम देखते हैं क्या है कि क्या हो रहा है, किसके पास क्या थे 5000 रुपये, राज के पास 5000 रुपये थे, और उसने क्या किया इनको दे दिया किस पे, लोन पर। जैसे 5000 का क्या होगा, 3/20 निकालें, 3/20% मतलब 3/20 निकालोगे इसका कितना आ जाएगा, 2 से 1 0 गई और 5 3 15, और 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5, मतलब ये 750 रुपये होगा जो कि इसको ब्याज मिलेगा। फिर इस पर दूसरे साल भी यही होगा, 3/20 इसका निकालें, इसको क्या होगा ब्याज कितना मिलेगा 750 ही मिलेगा। क्या होगा कि इसको 750 रुपये पहले साल भी मिलेगा, 750 रुपये दूसरे साल ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा दूसरे साल में 750 रुपये का भी क्या होगा जो ब्याज होगा वो भी मिलेगा 750 रुपये का भी, 3/20, 750 का आप 3/20 निकालोगे, जैसे हम इसको करते हैं सॉल्व, 0 से 0 गया और 75 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 225, 275 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में 225 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 से हम 225 काटेंगे तो कितना आ गया 112.5, 112.5। और आप टोटल करोगे, टोटल करते हैं हम कि ये कितना हो गया, इसको ब्याज कितना मिला, कितना मिल रहा है देखना आप, इसको मिल रहा है कितना 750 एक, फिर मिला उसी साल 750 और ब्याज पे भी ब्याज मिला कितना 112.5। इसको टोटल टोटल करोगे आप, टोटल करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 750 + 112.5, ये कितना हो गया टोटल 6612.5, 6612.5, मतलब उसको कितना फ़ायदा होगा देख लो, 6000 से कितना हो गया 6612.5, मतलब उसको क्या हुआ 612.5 का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ऑप्शन 2 होगा इसका सही, ठीक है ठीक लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या हुआ है कि हमें क्या कि एक फिगर दिया है और उसमें क्या हुआ है कौन दिए गए हैं कि कितना क्या है, जैसे गिवन दिया है कि ए बी ओ जो है ए बी ओ वो कितना है 100 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, ओ सी डी कितना कर रहा है 110 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। क्या पूछा गया, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ
सी मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल पी ओ सी कितने डिग्री का होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल तरीका क्या है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमने एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली, तो क्या होता है कि एक समांतर लाइन ही है, सी डी है, एक लाइन है। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं, तो जैसे इसका एंगल है ए और ये एंगल है वी, तो इनके एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम जो होता है, उनका जोड़ होता है ए प्लस बी, वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या हो रहा था कि 100 डिग्री पहले मान था प्लस ये वाला एंगल जो भी हुआ समझ लो x है, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब x बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया अपना 80 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आएगा इसी तरीके से, यही वाले तरीके से, सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट से, मतलब 70 डिग्री। ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, पहले हमने ये यूज़ किया था। दूसरा देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी एक सिंपल लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, और यहाँ पर कितना है 80 प्लस 70 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना है 180। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ओ सी बराबर कितना आएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 80 प्लस 70 150, और 180 में से 150 गए तो कितना बचा 30, मतलब एंगल बी ओ सी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलो सेंटीमीटर है, क्या बोल दिया है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल, इसकी बजाय समझ लो ए, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है इसका 16 वर्ग सेंटीमीटर है, और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निम्नलिखित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा, क्या हो रहा है, इसकी जो मध्य भुजा है a/2, e/2 मतलब बीच में बिल्कुल मध्य भुजाएं जो हैं उनसे क्या हो रहा है, एक और वर्ग बन रहा है, एक और इसका वर्ग बन गया है, तो उन्होंने ये बोला है ये जो मध्य वर्ग जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, मध्य वर्ग जो बन रहा है इसको हम क्या करते हैं रेड से सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब ये जो रेड रेड पोर्सन है इसका क्षेत्रफल हमें बताना कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जैसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब ये देखिए बनी दिया है 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर कितना आ गया अपना 4 सेंटीमीटर, मतलब भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये सारी लंबी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब ये जो है ये कितने होंगे 2-2 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये जो रेड सेलेक्ट पोर्शन है उसका एरिया, मतलब ये जो वर्ग बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, कुल वर्ग का जो मतलब जो पूरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दो 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल मतलब कौन कौन से 4, एक ये और एक ये, मतलब सारे टोटल वर्ग में से क्या करो, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं 4 इनका क्षेत्रफल माइनस कर दो, ये जो रेड सेडेड वाला है उसका क्षेत्रफल अपना आ ही जाएगा। टोटल वर्ग का क्षेत्रफल अपना कितना दिया है 16 माइनस 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। ठीक है, तो 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ आधार, आधार कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो 16 माइनस 4 2 से 2 गया मल्टीप्लाई बाय 2, 16 माइनस 8 और 16 में 8 गए तो 8 इसका आंसर सही होगा, मतलब ऑप्शन 2 होगा सही। इस तरीके से हमने तीनों टॉपिक जो थे वो कंप्लीट कर ली है। फाइनली थैंक यू, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।